नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आपके पास लेजर जेट प्रो MFP M126A का प्रिंटर है और उसमें आप जूम साइज में फोटो कॉपी करना चाह रहे हैं या तो फिर जूम साइज से छोटा करना चाह रहे हैं, मतलब एक्चुअल साइज से छोटा करना चाह रहे हैं फोटो कॉपी, तो सब चीज़ कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप जूम करके निकालना चाह रहे हैं फोटो कॉपी तो कैसे करेंगे या तो फिर छोटा साइज में कैसे करोगे फोटो कॉपी। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, हो सकता है कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है रेडी मोड में है और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। तो बटन दिया हुआ है तो ये तीन ऑप्शन दिया है उसमें। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो यहाँ से आप सिंपली अपने जो काउंट है, प्रिंट का काउंट है या फोटो कॉपी का काउंट है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जब ये वाली जब आप बटन दबाओगे तो ये लाइट को अप डाउन कर सकते हैं। इसमें अगर आप ये इसमें आएंगे तीसरे नंबर में तो यहाँ पर जूम साइज दिया हुआ है, ठीक है, जूम या फिर माइनस भी कर सकते हैं इसको। तो इससे आप अप डाउन करके आप अपने जो साइज है, जो फोटो कॉपी करना चाह रहे हैं उसके साइज को अप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम जूम साइज करके देख लेते हैं। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ 1.5 में कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ डाल लेते हैं। जैसे कि एक मेरे पास ये सैंपल है, इसको मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस कोने में आपको डालना है क्योंकि इस साइड में लोगो दिया हुआ है, सिम्बॉल दिया हुआ है, तो यही साइड में आपको रखना है इस तरह से। और उसके बाद ये जो कवर है इसको आप बंद कर देंगे। उसके बाद आप फोटोकॉपी करना, आपका जो फोटोकॉपी है वो जूम साइज में निकल जाएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़े साइज में निकल गया है। अब हम इसको और इसको तुलना करें, दोनों को तुलना करें तो देख लेते हैं कितना साइज आ रहा है। तो देखिए, इतना बड़ा साइज ये आ रहा है इस तरह से। अगर आप इसको और बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर जाना है और ये लाइट जो है यहाँ पर जलना चाहिए। उसके बाद इसको और बढ़ाएंगे तो और जूम होगा। अगर आप इसको कम कर देंगे, जैसे कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल करने के बाद एक पेपर में और डाल लेता हूँ, इसी को डाल लेता हूँ मैं पीछे साइड से इस तरह से। अब इसको जो है मैं फिर वापस यहीं पर रख देता हूँ इस तरह से। अब उसके बाद जैसे हम इसमें आएंगे तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो हरा बत्ती जल रहा है ना, वो यहाँ पर जले। अगर आप जूम या तो फिर जूम आउट प्रिंट लेना चाह रहे उस कंडीशन में, तो ये डिफॉल्ट हो गया। अब जैसे कि हम इसको छोटा करना चाह रहे हैं तो देखिए 0.5 मतलब छोटा हो जाएगा वो। तो चलिए एक बार हम कॉपी करके देख लेते हैं कैसे आ रहा, देखते हैं उसको। तो ये देखिए इतना छोटा हुआ है। देखो, अब इससे तुलना कर लेते हैं निकाल के, ये देखिए। तो इस तरह दोस्तों, आप जो अपने प्रिंटर है उसे आप जूम में भी निकाल सकते हैं और छोटे साइज में भी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी कॉन्टेंट आपको मिलते रहे। तो मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।